तो दोबारा देखो, खोल लो इब्रा। हाँ, राजा मित्रसेन, ये हमारे जन्म से पहले की बात है, हम जो सुनता आ रहे हैं उसकी बात होता है। मित्रसेन राजा कम से कम 300 साल पहले, अंदाजा बता रहा हूँ मैं, पक्का नहीं कह सकता, पर 300 साल पहले। और जब दिल्ली में यहाँ बहादुर शाह जफर का राज, उस समय की ये बात है, और मराठों ने इनका कत्ल किया था। मराठे आए थे महाराष्ट्र से, उन्होंने धोखे से बुलाया राजा मित्रसेन को संधि के लिए, हम संधि करेंगे, और संधि के लिए बुलाया और वहाँ धोखे से उसको मार दिया था। ये सब हमने सुना है बुजुर्गों से। महाराज मित्रसेन का ये किला था, ये किला था गांव, जब ही इसका नाम गढ़ है, गोकलगढ़। गोकलगढ़ में ये 12 दरी थी, 12 दरवाजे थे, कचहरी थी यहाँ पे, कचहरी में राजा का दरबार लगता था। अस्तबल था यहाँ इसी गांव में, उसको आजकल अस्थल कहते हैं। थमेला था आजकल इनके पास है, उसमें राजा के पशु वगैरह, घोड़े वगैरह सब बनते थे। सर्दखाना था एक अंडरग्राउंड, नीचे इसमें मौसम सम रहता है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। हाँ, अवशेष अब भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, उसके अवशेष तो है अभी भी। हाँ, उसके अवशेष अब भी पड़े हुए, चारों तरफ इस गांव के मडवाल थी, कच्ची दीवार, कच्ची दीवार थी बहुत ऊंची, जैसे किला की हुआ करे थी। अब तो शायद एक आध नमून बच रहो को बुरज थी, 52 बुरज थी चारों तरफ, और गांव के चारों तरफ खाई थी, इतनी गहरी थी जो चौव निकल गया, समझ गए मेरी बात, पानी निकल गया, अंदर कोई बढ़ नहीं सकता था, और चारों तरफ बुरज के ऊपर नागफन लगा हुआ था, नागफन थोर अलग थी, नागफन जैसा नाग का फण है ना, ऐसा उनमें कांटा हुआ करता, झोंटो भी ना बढ़ सके तो दुश्मन तो क्या बढ़े। और 52 बुरज थी, 52 बुरज पे 52 तोप लगी हुई थी। ये बुरज तो अब टूटी है, भारी आदमी के दस एक साल से टूटी, चारों तरफ बुरज थी, बुरज के अंदर अंदर गांव था, किला था ये, यहाँ टकसाल थी इसी गांव में, इसी टाइम टकसाल थी। मित्रसेन के मरने के बाद कुछ दिन रानी ने भी राज किया, जितना भी यहाँ ये जो सारी भूमि थी ये राजा की थी, जंगल की जमीन भी सब राजा की थी। उसके मरना के बाद जो है जितना भी जोता था ना, जोता को समझिए नहीं के वह जो कास्तकार मालिक नहीं थे, कास्तकार कास्तकार थे, राजा के मरने के बाद वो उनको ओनरशिप मिल गई, वो मालिक बना। और उसी समय से ये तो महाराज जन्म से पहले से ही पूजा होती आ रही है। इस पर राजा का एक पीलवान था, पीलवान साथी, वो उसको लेके भगया पीलवान हाथीवान को, क्योंकि गर्दन वहाँ पड़ी दिल्ली वाली लाइन का पड़ा, वहाँ भी उसकी समाधि बनी हुई है और भंडारा होता है हर साल, पीलवान बोलते हैं उसको, और एफ जेठ की माउस में हमेशा यहाँ पर आप देख के आए उधर, आप लेट आए अगर सुबह 6-7 बजे जाता तो वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। हाँ, सर गर्मी की मारी औरता, हमने किसी भाई ने टाइम बताया भी 8:30-9 का आसपास, तो हम उसी साथ है 8-9 बजे लेट, अगले साल हम 6 बजे आ जाएं, 6 बजे आ जाओ सही रहेगा, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रुक जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दो ही दरवाजा हुआ करता इस गांव के किला के, एक दरवाजा था इधर धानपुर में, एक दरवाजा पराने सीताराम बाबा साइड में, एक था दरीची यानी छोटा गेट, छोटा गेट जिसमें राज कर्मचारी आवे जाए था, नहीं ये महल इधर था राजा का, तो उसका नाम से वो दरीची वाला जोड़ है अभी,
मैंने सब दरीची वाला जोड़ बोलते आजकल बालक अब ब्रंथों को दर्जी वाला भी कहते हैं नहीं वो है दर्जी दरीची वाला जोड़ अब भी दरीची वाला जोड़ है और ये मकान जो भैया परापरान बढ़ गया ना डार कार इनका सब ये सब कचहरी बोलते थे ये सब कचहरी कचहरियों में तो ये ऐसा है महल का अवशेष पड़ा है ये वो देखा है हमने पहले कवर भी कराया हाँ 1867 में बंदोबस्त हुआ इस गांव का जब ये खाई कंद और ये जमीन जो है लोग आके नाम होगी जिनका कब्जा था उससे पहले सब राजा उससे पहले सब राजा था 1846 में 1867 में बंदोबस्त हुआ नक्शो इनका घर धरे हो गए बाबा कंतों पर तो 1867 में बंदोबस्त हुआ था अंग्रेज का राज था जिस वक्त उस वक्त जो है ये नाम चली गई